नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन के बारे में, और ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। अगर आप UPSC या फिर किसी भी स्टेट का PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इस वीडियो को मैं रोजाना लेके आता हूँ और इस वीडियो में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए, जहां मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता हूं। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है, कुछ गलती होती है, तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखिए और उसके बाद अपने रिवीजन प्लान को तैयार करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है आपके लिए। विद रेफरेंस टू हुरिकेन्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे हुरिकेन्स के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है। स्टेटमेंट वन में आपसे बोला जा रहा है इट इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, यानी कि इसके बारे में हुरिकेन्स के बारे में बोला जा रहा है ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट मूव्स काउंटर क्लॉक वाइज, काउंटर क्लॉक वाइज यानी एंटी क्लॉक वाइज आप बोल सकते हो, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉक वाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अगर आप ग्लोब को यानी कि अगर अर्थ को इक्वेटर से डिवाइड कर दें तो ऊपर जो नॉर्थ पोल है, नीचे जो साउथ पोल है, यानी कि जिसका नॉर्थ पोल यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है ये जो मूवमेंट होती है इसकी, ये क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज होती है यानी काउंटर क्लॉक वाइज होती है। ऐसा आपसे स्टेटमेंट सेकेंड में बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट सेफ्रीज सिप्रॉन्स विंड स्केल इज यूज टू मेजर द पावर ऑफ हुरिकेन, यानी कि हुरिकेन को मेजर करने के लिए जो स्केल मेजर किया जाता है उसे सेफीन सिप्सन स्केल यूज किया जाता है इसके मेजरमेंट के लिए हुरिकेन के लिए। तो ये कुछ स्टेटमेंट आपके पास है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, और आपको इन स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ओनली सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और स्टेटमेंट डी में ऑप्शन डी में आपके पास जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बताए जा रहे हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। रिगार्डिंग हुरिकेन, अगर हुरिकेन की बात करें हम लोग तो हुरिकेन के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन पे ध्यान में रखते हुए बात करें तो हुरिकेन जो आता है वो नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है इसके आसपास का जो एरिया है इस एरिया में सबसे ज्यादा आता है, यानी कि आप ये कह सकते हो ऊपर जो कनाडा है, ठीक है, ऊपर कनाडा और कनाडा के बाद ये USA और उसके बाद ये मैक्सिको, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है इस एरिया में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कनाडा USA और उसके बाद नीचे मैक्सिको, और यानी कि आप ये बोल सकते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे सबसे ज्यादा ये हुरिकेन आता है। अच्छा, अब डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ये ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस होता क्या है इसके बारे में। तो हुरिकेन की बात करें तो हुरिकेन जो स्टार्ट होता है ये इसकी वजह है ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस, और ये ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस जो होता है वो जब होता है जब वाटर जो होता है, जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ जो पानी का जो एरिया है ये वाटर जो वार्म वाटर हो जाता है ओशन का, तब ये सिचुएशन क्रिएट करती है और इसमें बारिश वगैरह ज़्यादा होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया गया था सिर्फ डिस्टर्बेंस है, ये ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस है, इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। बाकी अगर सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट की बात करें ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये जो आपसे बोला गया कि भी ये एंटी क्लॉक वाइज, देखिए क्लॉक जो मूव होता है इस तरह से मूव करता है, ठीक है, क्लॉक की मूवमेंट ऐसी होती है। अगर हम एंटी क्लॉक की बात करें तो इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से, यानी कि इसकी जो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है वो एंटी क्लॉक वाइज होती है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और नीचे एक और जो बात आपसे बोली गई थी थर्ड, इसके लिए मेजरमेंट के लिए सेफीर सिप्सन स्केल यूज किया जाता है हुरिकेन के मेजरमेंट के लिए, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। अब हुरिकेन क्या होता है इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि हमारी कंट्री के आसपास एरिया, यानी कि आप ये बोल सकते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट के आसपास का जो एरिया है इस वाले एरिया में इसे क्या बोला जाता है। तो हमारी कंट्री के आसपास का जो एरिया है यानी कि इंडियन ओशन में इसके साइक्लोन से पुकारा जाता है, हमारी कंट्री के आसपास के एरिया में साइक्लोन बोला जाता है। और अगर आप जापान या फिर साउथ कोरिया के आसपास, कोरिया के आसपास एरिया है यहाँ टाइफून इसे बोला जाता है, चीज वही है बस नाम अलग है। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के आसपास हैं तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास इस एरिया में इसे वही से वैली वैली भी बोला जाता है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे साउथ एशिया इकोनॉमिक
फोकस रिपोर्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है इट इज रिलीज्ड एनुअली बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसे रिलीज करती है एनुअल बेसिस पे, यानी कि आप ये कह सकते हो साल में एक बार इस तरह का रिपोर्ट पब्लिश होता है और इसे वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट इंक्लूड म्यांमार बट एक्सक्लूड मालदीव, यानी कि ये मालदीव को तो इंक्लूड कर देता है मतलब इस रिपोर्ट के अंदर, और सॉरी म्यांमार को इंक्लूड करता है और मालदीव को एक्सक्लूड यानी कि इस रिपोर्ट से बाहर कर दिया गया है, आप ये बोल सकते हो। तो इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें इसका आंसर डी है। डी का मतलब यह है कि दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, इसे पब्लिश करने का काम तो वर्ल्ड बैंक करती है, ये बात करेक्ट है, लेकिन ये एनुअल बेसिस पे नहीं करती, ये आप कह सकते हो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, कह सकते हो क्वार्टरली भी नहीं, इसे हाफ ईयरली बेसिस पे होता है, सॉरी ये जो होता है ये हाफ ईयरली बेसिस पे होता है, यानी कि आप ये बोल सकते हो साल में एक साल में इसे, यानी कि वन ईयर में इसे ट्वाइस इसे पब्लिश करने का काम किया जाता है, आप ये समझ सकते हो कि साल में इसे टू टाइम्स यानी कि दो बार इसे पब्लिश करने का काम किया जाता है, इस वजह से हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। अभी जो 2020 की जो रिपोर्ट एडिशन जो पब्लिश हुआ है इसे, इसका जो टाइटल वो है बीटन और ब्रोकन, इस रिपोर्ट का टाइटल है इस बार का, और इसके अंदर अभी जो लेटेस्ट आप कह सकते हो जो लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसके अंदर अफगानिस्तान को इंक्लूड किया गया हुआ है, यानी कि इसके अंदर अफगानिस्तान को इंक्लूड किया जाता है जो कि ये वाला एरिया है, ठीक है। अगर आप इंडिया का मैप देख रहे हैं तो ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, ये अफगानिस्तान को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर, और बांग्लादेश ये वाला एरिया, ये ग्रीन जो दिख रहा है ये बांग्लादेश, बांग्लादेश के अलावा भूटान की ये लोकेशन ये रही, ये ग्रीन कलर में दिख रहा है भूटान को इंक्लूड किया जाता है, भूटान के अलावा नेपाल को इंक्लूड किया जाता है, पाकिस्तान को इंक्लूड किया जाता है, मालदीव इधर नीचे जाके इंडियन ओशन में इस एरिया में जाके ये आइलैंड्स ग्रुप ऑफ आइलैंड में फॉर्म होता है, ठीक है, तो मालदीव को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, बट म्यांमार जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ जो अटैच्ड ये वाला जो कंट्री आपको लोकेशन दिख रहा है म्यांमार को इसके अंदर एक्सक्लूड किया गया है। तो आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको गलत दे दिया गया है। इंक्लूड किस किस को किया जाता है, ऊपर से देख लेते हैं, यहां से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और नीचे अगर हम चले जाएं नीचे यहां पे मालदीव को भी इंक्लूड किया जाता है, बट एक्सक्लूड किया गया यहां पे म्यांमार को। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू भारतमाला परियोजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन में आपसे भारतमाला परियोजना के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये दो स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वन, भारतमाला परियोजना इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम इन्विस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम इन्होंने रखा है भारतमाला परियोजना, यानी कि आप ये बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है वो कंट्रोल करती है भारतमाला प्रोजेक्ट को। अच्छा, दूसरे स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है अंडर द प्रोग्राम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज बीन मैंडेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट का जो काम करती है वो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम करती है। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी की बात करें सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बोला जा रहा है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, एंड लास्ट ऑप्शन डी इसमें कह रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट, यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत है इसके अंदर ये बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो भारतमाला परियोजना की अगर बात करें तो इसमें क्या किया जा रहा है, हमारी कंट्री के अंदर जितने भी स्टेट हैं, ठीक है, सारे स्टेट को एक नेटवर्क के थ्रू यानी रोड नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है, यानी कि आप ये बोल सकते हो भारतमाला जो परियोजना है वो हमारी कंट्री के अंदर जो रोड नेटवर्क है, रोड के जो सिस्टम स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। तो अब डिटेल में जान लेते हैं, ये जो आता है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है, यानी कि जब NHAI की बात की जा रही थी आपके स्टेटमेंट टू के अंदर कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
तो इट बेस ये क्लियर हो गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के अंदर नहीं आएगा, बल्कि ये आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया हमारा, ठीक है, मिनिस्ट्री गलत दे दी गई थी, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, यानी कि एनएचएआई इसके डेवलपमेंट का काम करती है, यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री के अंदर भी रोड मैप को, रोड को अच्छे से तैयार करना और पूरे स्टेट को कनेक्ट करना, और क्योंकि देखिए रोड अच्छा होगा तब जाकर के हमारी कंट्री के अंदर जो बैकबोन है एक इकोनॉमी के स्टेबल होने का वो रोड होता है। अगर रोड अच्छे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर हमारा अच्छा है, तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। जब हम डिलीवर कर पाएंगे इट मीन्स हमारे इकोनॉमी को एक स्टेबिलिटी मिल पाएगी और जो भी बिजनेस वगैरह है वो स्मूथली रन कर पाएगा। इट मीन्स ये बोल सकते हो आप कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में पूछा जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हमारी कंट्री के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जब वो रिकमेंडेशन देते हैं किसी भी पर्सन को, नॉमिनेट करते हैं से आप कह लो, या उसकी रिकमेंडेशन करते हैं किसी भी पर्सन के बारे में कि भाई हाँ इसे हमारी कंट्री का सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर बना दो, तब जाकर प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट कर देता है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यानी कि एक बार अगर अपॉइंटमेंट हो गया उसके बाद दोबारा अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए, अब आपको बताना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहां तक है और सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर हिंदी में यहां तक है, ठीक है, यहां से बस ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉर टू। इट मीन्स ये है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है वो जान लेते हैं। देखिए हमारी कंट्री में जो इन्फॉर्मेशन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो होता है वो हमारी कंट्री के अंदर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो 2005 का आया हुआ है, राइट टू यानी कि आरटीआई जो एक्ट है, ठीक है, जो कि 2005 के अंदर जो आया, 2005 में जो आया हुआ है, इस एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है कि हमारी कंट्री के अंदर एक सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। और इस कमिश्नर को अपॉइंट करने का जो काम होता है हमारी कंट्री के अंदर, और देखिए जो नॉमिनेट करने का एक तरह से कह सकते हो या रिकमेंडेशन आप कह सकते हो, वो करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद हेल्प ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं जो कि किसी को रिकमेंडेशन देते हैं कि हाँ भाई इसे बनाया जाना चाहिए। बाद में फिर उसे प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारी कंट्री के वो उसे अपॉइंट कर देते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर प्रेसिडेंट उस कमेटी के हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, लीडर होते हैं, जो कि किसी भी पर्सन को अपॉइंट करने के लिए एज ए सेंट्रल कमिश्नर ऑफ इंडिया आप कह सकते हो अपॉइंट करने के लिए जो रिकमेंडेशन दी जाती है उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और ये टर्म आपके लिए स्टेटमेंट में मिसिंग था, इट मीन्स ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। हाँ बात करें सेकंड स्टेटमेंट की तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि एक पर्सन को ही एक बार अपॉइंट हो गया वो दोबारा इसके लिए रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता। इसकी वजह ये है कि हमारी कंट्री में जब तक 65 ईयर एज नहीं हो जाता, मतलब आप ये कह सकते हो 65 ईयर एज हो जाता है तब तक ही वो इस पोस्ट पे रह सकता है, उसके बाद वो इस पोस्ट पे नहीं रह सकता। और इसके अलावा 5 ईयर टर्म उसकी सर्विस का भी होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो सर्विस के टर्म या फिर 65 ईयर में से जो चीज पहले हो जाए बस उसके बाद वो उस पोस्ट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप क्लियर हो गया होगा कि भाई इसे दोबारा एलिजिबल नहीं होता, एक बार अपॉइंटमेंट हो गई उसके बाद दोबारा रीएलेक्ट नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू लेपिडोप्टेरा कह सकते हो आप, लेपिडोप्टेरा इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये जो टर्म है ये किस चीज से रिलेटेड है या क्या है चीज है, इसके बारे में आपको बता रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसके रिगार्डिंग में करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ जीन्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का जो कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट होते हैं उसका एक जीन है लेपिडोप्टेरा, इसके बारे में आपसे बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज एन ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का एक ऑर्डर है ये आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है इट इज ए किंगडम ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट की राज है एक तरह से, किंगडम के बारे में आपसे बोला जा रहा है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इट इज ए स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट जो होते हैं उनकी स्पीसीज है। ये इंसेक्ट की स्पीसीज है या जीन्स है ये आपको देखना है।
किंगडम्स के बारे में बात की जा रही, राज्य के बारे में बात की जा रही है, या फिर इनके जो ऑर्डर होते हैं, ठीक है, कि आगे पीछे किस क्रम में किस तरह से इनको अरेंज किया जाता है, उसके रिगार्डिंग में है। तो ये आपको बताना है, सही आंसर आपको चूज करना है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, यानी कि लेपिडोप्टेरा की अगर हम बात करें, तो ये एक तरह का बटरफ्लाई है, एक तरह से आप कह सकते हैं इंसेक्ट की कैटेगरी के अंदर ये आता है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। ये पिक्चर देखकर आप समझ सकते हो, यानी कि आप ये बोल सकते हो ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो गया। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि लेपिडोप्टेरा जो है ये एक तरह से ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट है, और इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं बटरफ्लाई इंक्लूड होता है, ये आप देख रहे हैं बटरफ्लाई की तो मोथ इंक्लूड होता है, स्कीपर इंक्लूड होता है इसके अंदर, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि भी ये जो आंसर है आपका, यानी कि जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इसे ठीक कर लीजिएगा, बी बी जो ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रोल ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। हमारी कंट्री में राम मनोहर लोहिया जी की कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था, उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और इस रिगार्डिंग में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें बोला जा रहा है ही वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व इन द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP इन 1934 में कांग्रेस की जो सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी, बनाई गई थी, उसके रिगार्डिंग में बोला जा रहा है उसमें ये एक्टिवली इन्वॉल्व थे। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है ही वॉज अमंग द लीडर हु गॉट अरेस्टेड ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 में हमारी कंट्री में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, और उसे लॉन्च करने में इनको भी अरेस्ट किया गया था। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए, राम मनोहर लोहिया जी को ध्यान में रखते हुए आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि भी करेक्ट आंसर आपका क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट बताया जा रहा है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत बोला जा रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब डिटेल में जानते हैं राम मनोहर लोहिया जी की कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो राम मनोहर लोहिया जी के बारे में यह है कि जब 1934 में कांग्रेस जब हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था उसके उसमें ये काफी एक्टिवली इन्वॉल्व रहते थे, और उसी के अंदर जो कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म की गई थी 1934 में, ये उससे भी रिलेटेड है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, और क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जितने लोगों को अरेस्ट किया गया था उनमें से राम मनोहर लोहिया जी भी थे। ये बात ठीक है कि ये उनमें से थे, लेकिन इन्हें 1942 में अरेस्ट नहीं किया गया था, बल्कि ये जो जेल हुई थी इनको, ये 1944 से लेकर 1946, यानी कि आप ये बोल सकते हो 1944 टू 46 का जो टाइम पीरियड था उस दौरान ये जेल में रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट कैंपेन स्टार्ट करने की वजह से। और इनके बारे में एक ये भी फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जब हमारी कंट्री अंग्रेजों के अधीन गुलाम थी तो वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो 1939 टू 45 में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे कि इंडियन पार्टिसिपेशन में, यानी कि वो ये कह रहे थे जब ये हमारी केयर नहीं करते, हमें गुलाम बना के रखा है, तो हमें इस वॉर में अंग्रेजों का साथ नहीं देना चाहिए, इसे वायलेट करना चाहिए, इसके बिल्कुल अपोजिट में ये खड़े हो गए थे। तो आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नमत बसाई इनिशिएटिव के बारे में। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग नमत बसाई इनिशिएटिव, और आपके पास ये चार ऑप्शन दे दिए गए हैं। इट इज फर्स्ट ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है इट इज प्रोग्राम फॉर टीचिंग ट्राइबल चिल्ड्रन इन देयर मदर टन, मदर टन में यानी कि जो भी उनकी मातृभाषा है, जो भी उसकी लैंग्वेज है ट्राइबल पीपल की, ट्राइबल बच्चों की, उसमें उसे एजुकेशन प्रोवाइड करना इस नमत बिसाई स्कीम इनिशिएटिव का एक प्रोग्राम आप बोल सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट या सेकंड ऑप्शन जो आपको दिया गया है इसमें आपसे बोला जा रहा है इट प्रोवाइड एक्सेस टू सेफ एंड एडुकेट वाटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी है उनको बिल्कुल सेफ और एडुकेट मतलब अच्छी क्वांटिटी में भी और साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करना, ये उससे रिलेटेड है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ शेड्यूल ट्राइब रिप्रेजेंटिंग इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर जितने भी ST कैटेगरी के जितने भी लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम आप इसे बोल सकते हैं ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग।
और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इट एम्स टू प्रोवाइड ई मार्केट प्लेस फॉर हैंडीक्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ ट्राइबल, इनकी ट्राइबल के द्वारा जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं या कोई हैंडीक्राफ्ट आइटम तैयार किया जाता है उनके लिए इसे ई मार्केट प्लेस प्रोवाइड करना नमत बसाई इनिशिएटिव का मेन टारगेट है। तो ये चारों ऑप्शन आपको दे दिए गए, आपको ये बताना है कि नमत बसाई इनिशिएटिव क्या है, इसके बारे में आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट स्टेटमेंट चूज कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास वो करेक्ट है, यानी कि ये जो इनिशिएटिव है जिसका नाम नमत बिसाई रखा गया है, नाम नमत बिसाई एक तरह का इनिशिएटिव है जिसमें टीचिंग पर फोकस किया जाता है ट्राइबल बच्चों को उनकी मदर टन में, क्योंकि देखिए अगर मदर टन में किसी को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि भी चीज़ों को समझना, जब चीज़ें समझ में आने लग जाती है तो उनका मेंटल डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो सकता है। तो ये नमत बिसाई जो इनिशिएटिव है ये केरला स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है और इनका ये मोटिव ये है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो इम्प्लीमेंटेशन का काम हर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो कंप्लीट करने का टारगेट जो रखा जाता है और इसे कंप्लीट किया जाता है उसके साथ इसे एसोसिएट कर दिया गया है और इसमें मेन फोकस जो रखा गया कि मदर टन यानी कि जो भी ट्राइबल बच्चे हैं उनको उसकी मदर टन में मदर लैंग्वेज में ही उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि जो वो घर पे बोलते हैं जो घर में कम्युनिकेट करते हैं उसी लैंग्वेज में जब वो सीखेंगे तो वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ से डेली लाइफ से चीज़ों को ज़्यादा रिलेट करके अच्छे से उनकी क्वालिटी इन्हेंसमेंट हो पाएगी एजुकेशन फील्ड में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, केरला स्टेट गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, नाम है नमत बिसाई। अच्छा, इसके अलावा केरला गवर्नमेंट ने एक और क्लासरूम डिजिटल क्लासरूम को ध्यान में रखते हुए एक और इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम रखा गया फर्स्ट बेल, और फर्स्ट बेल भी वहां पे जो 41 लाख स्टूडेंट है उस पर ये इंपैक्ट डालती है कि लॉकडाउन पीरियड में उनको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड की जाए, यानी कि जब से लॉकडाउन हुआ है तो उन्होंने एक ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम रखा गया फर्स्ट बेल, जो कि केरला गवर्नमेंट से रिलेटेड है ट्राइबल बच्चों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाता है, दोनों ही फैक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू रिसेंटली रिलीज्ड ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर रिपोर्ट के बारे में बताना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, मतलब अभी एक दो दिन पहले ही रिपोर्ट पब्लिश की गई है जिस वजह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बहुत लेटेस्ट है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। और इसके रिगार्डिंग में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें बोला जा रहा है द रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि यूएनओ का एक ऑफिस है और उस ऑफिस का नाम है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम करती है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ये यूएनओ की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस रिपोर्ट को तैयार करती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द रिपोर्ट ऑल्सो कंसिडर द बायोलॉजिकल हजार्ड एंड डिजास्टर रिलेटेड टू डिसीज रिलेटेड टू डिजास्टर, सॉरी करेक्शन कर लीजिए, वो सारे डिसीज जो किसी डिजास्टर की वजह से होते हैं या फिर बायोलॉजिकल हैजार्ड की वजह से होते हैं उसको भी इस रिपोर्ट के अंदर कंसीडर किया गया है, इसके अंदर रखा गया है, ये सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। आपको चूज करना है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इस रिपोर्ट के बारे में ये आपको चूज करना है। तो अभी क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली यानी कि आज जैसे 14 है यानी कि 13 अक्टूबर 2013 को ही ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। ठीक है, और इसको इस डेट इसलिए पब्लिश की गई है कि इस दिन यानी कि 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे भी इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, इस वजह से ये लिस्ट या ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। और इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का जो काम आप बोल सकते हैं वो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि जो आपको स्टेटमेंट वन में दिया गया था जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ का जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल पर उसके अंदर एक ऑफिस है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वो इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। और इसके अंदर जो जितने भी ये भी टारगेट जितने भी वो सारी डिसीज ठीक है जो कि डिजास्टर से रिलेटेड है उस चीज को फोकस करती है, और जितने भी नेचुरल डिजास्टर जितने भी होते हैं हमारे अराउंड आसपास जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड ये डाटा कलेक्शन करती है और फिर कुछ प्रिडिक्शन करती है। और उन्होंने ये क्लेम किया है कि आने वाले 20 ईयर में जितने भी डिजास्टर होते हैं नेचुरल डिजास्टर उसकी जो नंबर्स होंगे वो 20
ईयर्स के अंदर डबल हो जाएंगे, यानी कि आप जितने भी डिजास्टर इस टाइम हो रहे हैं उससे ज्यादा, यानी कि 100% इंक्रीज हो जाएगा। और इसका बायोलॉजिकल हजार से कोई लेना देना नहीं है, तो यानी कि ये बोल सकते हो बायोलॉजिकल हजार से रिलेटेड जो डिसीज के बारे में सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा था वो बात गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई इस स्कीम के तहत आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट वॉज लॉन्च विद एन ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ फिजिकल गोल्ड एंड इंक्रीज द डोमेस्टिक सेविंग। मतलब ये आपसे बोला जा रहा है कि भाई ये जो स्कीम है, इस स्कीम के अंदर गोल्ड की जो डिमांड है हमारे कंट्री के अंदर उसको इंक्रीज करने के लिए, उसे बढ़ाने के लिए इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था, और इसके साथ साथ लोगों के अंदर डोमेस्टिक सेविंग की हैबिट डेवलप कर सके, ये ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, स्कीम को लॉन्च किया गया। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इन दिस स्कीम द गोल्ड बॉन्ड आर इश्यूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बोले या सेंट्रल गवर्नमेंट बोले बात एक ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरकीब को रिप्रेजेंट करते हुए आरबीआई क्या करती है कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर, आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पर गोल्ड बॉन्ड इशू करती है। देखिए गोल्ड अलग चीज है, गोल्ड बॉन्ड अलग चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। तो गोल्ड बॉन्ड इशू करती है इसके इस स्कीम के तहत। तो ये दो स्टेटमेंट आपके लिए हो गए, अब दोनों स्टेटमेंट से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब आपको बताने कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम के तहत कौन सा इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट है। अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ वो करेक्ट है, यानी सेकंड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आरबीआई हमारी कंट्री में ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बोल लीजिए या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोल लीजिए, एक ही बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर हमारी कंट्री में एक बॉन्ड इशू करती है, और इस बॉन्ड का जो नाम है आप बोल सकते हैं गोल्ड बॉन्ड, यानी कि जो गोल्ड की जितनी भी वैल्यू होती है उस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इस बॉन्ड को इशू करती है आरबीआई, ताकि लोगों के अंदर जो सेविंग की हैबिट है उसे इनहेंस कर सके। इसके अंदर जो गोल्ड की, फिजिकल गोल्ड की डिमांड को इंक्रीज करना नहीं है बल्कि उसे रिड्यूस करना है, ये मेन टारगेट है। लोगों को ये हैबिट डलवानी है जो गोल्ड की जितनी भी वैल्यू है, गोल्ड की जितनी भी वैल्यू है उस वैल्यू पर गवर्नमेंट क्या करती है भी कि एक बॉन्ड इशू करवाती है आरबीआई से, और फिर जब आरबीआई ये इशू कर देती है तो जब इसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो भी गोल्ड का प्राइस है, सपोज करिए कि अभी 2020 की मैं बात कर रहा हूँ, एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, 2020 की मैं बात करता हूँ और अभी गोल्ड का प्राइस कुछ भी मान लीजिए 40,000 है, ठीक है 40,000 इसका प्राइस है। अच्छा 2030 में जब इसका कॉस्ट, मैं अप्रॉक्सीमेटली ले रहा हूँ 2030 ईयर है कि भाई ये टाइम पीरियड है, तब तक जो भी गोल्ड का कॉस्ट हो जाएगा, सपोज 40,000 की जगह ये 50,000 कॉस्ट हो जाता है, तो 50,000 अगर कॉस्ट हो जाता है तो 50,000 कॉस्ट के हिसाब से आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है बॉन्ड की वो इंक्रीज हो जाएगी, प्लस इंटरेस्ट भी आपको इसके अंदर मिलेगा। यानी कि लोगों को गोल्ड परचेज करने की जगह उन्हें इस तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, लोगों को एक तरह से मोटिवेशन देने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया था वो नवंबर 2015 में से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आप बोल सकते हो करेक्ट आंसर जो है आपका ओनली सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है कि आरबीआई इसको इश्यू करने का काम करती है। ठीक है, और यह बात भी आपको ध्यान में रखना है कि भी इसमें गोल्ड के डिमांड को इंक्रीज करना नहीं बल्कि डिक्रीज करना मेन टारगेट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज 2020 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नोबेल प्राइज अभी रिसेंटली अनाउंस हुए हैं, उसी में ध्यान में रखते हुए आपसे क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज किसे मिला है, किस चीज के ऊपर मिला है, ये आपको बताना है। यानी कि नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए किनको मिला है उसके रिगार्डिंग में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है, इट इज अवॉर्डेड टू द पॉल मिलिंग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन। यानी कि ये दो कैंडिडेट है जिनके बारे में बोला जा रहा है कि पॉल मिलिंग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन को यह अवार्ड दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ वन।
स्टेटमेंट टू में बोला जा रहा है, इट इज अवॉर्डेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑक्शन थ्योरी। ऑक्शन थ्योरी को डेवलप करने की वजह से इन दोनों को यह अवार्ड दिया गया है, सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द सर्वियन रिक्स बैंक प्राइस इन इकोनॉमिक सर्विसेज, यानी कि इकोनॉमिक्स की फील्ड में अच्छा काम करने के लिए इसे नोबेल, इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज के साथ साथ इसे एक और नाम से जाना जाते हैं, सर्वियन रिक्स बैंक प्राइज भी इसे बोला जाता है। ये थर्ड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है। ये तीन स्टेटमेंट हो गए, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में 1, 2, 3 यानी कि ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी। डी के अकॉर्डिंग सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आपको बताने करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। अगर हम बात करें इस साल का यानी कि 2020 का नोबेल प्राइज की बात करें, वो भी इकोनॉमिक्स की फील्ड के लिए, तो इस बार इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज यानी कि इकोनॉमिक साइंसेज का नोबेल प्राइज जो मिला गया दिया गया वो पॉल आर मिनग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया। दोनों इस प्राइज मनी को 50% 50% में शेयर करने वाले हैं। और ये जो प्राइस की अगर बात करें, हम इकोनॉमिक्स प्राइस की बात करें, एक नोबेल इकोनॉमिक प्राइस को, ये 1968 में स्टेब्लिश किया गया था, यानी कि बाकी जो नोबेल प्राइज है वो तो पहले स्टार्ट हो गए थे, ये बाद में स्टार्ट हुए गए थे 1968 में। और ये जो स्टार्ट किया गया था वो 300th एनिवर्सरी इस बैंक की, जिस ये जो आप बोल सकते हैं जो स्वीडिश बैंक है सर्विंग्स रिक्स बैंक, ये इस प्राइस को देती है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो करेक्ट आंसर हमारा डी है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। विनर आपको समझ में आ गया कि दोनों विनर है पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन, और दोनों इस प्राइज मनी को 50-50% शेयर करने वाले हैं। और दोनों ही जो बिलोंग करते हैं यूएसए यानी कि अमेरिका से दोनों ये बिलोंग करते हैं। और इन्हें जो ये प्राइज मनी दी जा रही है या अवार्ड दिया जा रहा है, इस अवार्ड को इनको ऑक्शन थ्योरी यानी कि ऑक्शन के रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन होती है इंटरनेशनल लेवल पर, उसको कैसे इंटरेस्टिंग और ईजिली बनाया जा सके, और कहने का मतलब ये ऑक्शन थ्योरी को डेवलप करने के लिए इन्हें ये प्राइज मनी दी जा रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक्वापोनिक्स इज अ सिस्टम दैट कंबाइंस हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वाकल्चर विद इन अ ओपन सिस्टम। इस क्वेश्चन में आपसे तीन स्टेटमेंट दे दिए गए। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है जो एक्वापोनिक्स है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, ये एक इस तरह का सिस्टम है जिसके अंदर हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर को कंबाइन कर लिया जाता है एक ओपन सिस्टम के अंतर्गत। ये फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है देयर आर टू बायोलॉजिकल कंपोनेंट इन द एक्वापोनिक्स प्रोसेस। एक्वापोनिक प्रोसेस के अंदर दो बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में आपको बताया जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन अ वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन। यानी कि हाइड्रोपोनिक की अगर हम बात करें, एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो वाटर के अंदर जो प्लांट ग्रो करते हैं उनके अंदर जो रिचमेंट होती है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू उनकी सबसे ज्यादा होती है, एक न्यूट्रिशन रिच सॉल्यूशन के अंदर उन्हें उगाया जाता है। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अंतर्गत फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एक्वापोनिक्स की अगर हम बात करें, एक्वापोनिक्स इज अ सिस्टम दैट कंबाइन हाइड्रोपोनिक्स सोइल लेस एग्रीकल्चर, यानी कि इसके अंदर सोइल की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा एग्रीकल्चर इसके अंदर होता है। और ये ओपन सिस्टम नहीं होता बल्कि ये क्लोज सिस्टम होता है। इट मीन्स ये हो गया जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है वो गलत हो गया, ओपन की जगह ये क्लोज सिस्टम है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा था जो उसके रिगार्डिंग में ये है देर आर थ्री बायोलॉजिकल कंपोनेंट, जबकि स्टेटमेंट में आपको टू बायोलॉजिकल कंपोनेंट के बारे में बोला गया था। फर्स्ट है फिश, प्लांट और बैक्टीरिया। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं इस प्रोसेस का एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो प्लांट होता है बिना सोइल के ही इसे प्लांटेशन इसको किया जा रहा है, सोइल की जरूरत नहीं पड़ रही है यहाँ पे, और ये जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं ये सिर्फ पानी से ही ले रहे हैं। अब पानी में जो न्यूट्रिशन वैल्यू आ रही है वो यहाँ नीचे से आ रही है, यानी कि जो फिश है फिश से जो भी चीज़ें मिल रही है न्यूट्रिशन वैल्यू वो प्लांट्स को ट्रांसफर की जा रही है, और फिर प्लांट के अंदर से जो भी रिच इक्विपमेंट रिच एक तरह से न्यूट्रिशन वैल्यू जो भी इसके जड़ों से मिल रहा है इसे रूट से उस पानी को नीचे ट्रांसफर कर दिया जा रहा है इसके थ्रू। और ये जो प्रोसेस है
इस प्रोसेस को भी एक्वापोनिक्स आप बोल सकते हो। और इस ये जो इस तरह का जो एक प्रोसीजर है जिसके अंदर ये जो मेथड जिसमें प्लांट ग्रो किया जा रहा है, इस ग्रो करने वाले प्लांट की जो मेथड है इसे हाइड्रोपोनिक्स बोला जा रहा है। ठीक है, सोयल की जरूरत नहीं पड़ती इसके अंदर, इसके अंदर सिर्फ वाटर से ही काम चला जाता है। मेन तीन चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, फिश, प्लांट एंड बैक्टीरिया। ठीक है, प्लांट्स आप देख सकते हैं, ये प्लांट हो गया, फिश हो गया और बैक्टीरिया, जो वाटर के अंदर जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा हो रही है उसकी वजह ये है, बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होने की वजह ये है कि ये क्लोज सिस्टम है, सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की जो रीजन है उसके पीछे वो ये कि थ्री बायोलॉजिकल कॉम्पोनेंट होता है, टू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू अमृत मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अमृत मिशन क्या है इसके बारे में आपके पास कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट द मिशन सिक्स अर्बन रिन्यूएबल एंड 500 सिटी इंडियन सिटी, यानी कि इसके अंदर ये डिसाइड किया गया है कि हमारी कंट्री के अंदर जो 500 सिटीज हैं उसके अंदर रिन्यूअल प्रोसेस हो रहा है, यानी कि उसको नए तरीके से उसे स्टैब्लिश किया जा रहा है, नए सिटी को अच्छे से डेवलप करने का काम किया जा रहा है, यानी कि रिन्यूएशन का काम किया जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की से बेस्ड ये स्कीम है। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट कम्स अंडर द एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, यानी कि जो मिनिस्ट्री इसके अंदर इन्वॉल्व है इस काम को कंप्लीट कराने में वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इसको काम में लगी हुई है। तो ये तीन स्टेटमेंट है आपको बताने हैं अमृत मिशन है क्या चीज है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी की जिसमें आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट ये करेक्ट है, और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब गलत होने की वजह जान लेते हैं कि गलत होने की एक्चुअल वजह क्या है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है बल्कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम किसे बोलते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम किसे बोलते हैं। जब भी हम बात करेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब ये होती है कि इसको इसमें फंड के साथ साथ इसका जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ फंड दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इम्प्लीमेंटेशन का काम जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। ये बेसिक डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से ये जो सेकंड स्टेटमेंट है हमारा वो गलत हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये बोल सकते हो ये जो प्रोसेस है, ये जो मिशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर आता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, 2017 में इसे लॉन्च किया गया था। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें जिसमें अमृत का मतलब ये है कि अटल मिशन फॉर रिन्यूजनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अर्बन में जितनी भी सिटीज है सिटी के अंदर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन किया जा रहा है, उसे ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है सिटी को स्मार्ट सिटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, अटल मिन से हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम से ये स्कीम स्टार्ट की गई है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और सेकंड स्टेटमेंट है, और दोनों स्टेटमेंट में आपको चेक करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट किरण इज अ टॉल फ्री हेल्पलाइन, किरण के बारे में बोला जा रहा है कि किरण इज अ टॉल फ्री हेल्पलाइन टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पीपल फेसिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न, यानी कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसे एक तरह से साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक टोल फ्री नंबर दिया जा रहा है, और इस इनिशिएटिव का नाम रखा गया किरण इनिशिएटिव आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि मनोदर्पण इनिशिएटिव इज ए इनिशिएटिव फॉर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री बोल लीजिए, ठीक है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बोल लीजिए, सेम ही मीनिंग है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि अगर हम मनोदर्पण की बात करें, मनोदर्पण का मतलब ये है कि ये भी एक इनिशिएटिव है जो कि एचआरडी मिनिस्ट्री या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। और किरण की बात करें, किरण एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जो कि मेंटल इलनेस या कुछ मेंटल प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है उसकी वजह से ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो दो स्टेटमेंट है, आपको चूज करके बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया, किरण मींस है कि एक 24/7 एक हेल्पलाइन प्रोवाइड की जाती है, जो भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर कोई फेस कर रहा है तो एक तरह से उसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, एक हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड करने के लिए ये हेल्पलाइन है। और इस हेल्पलाइन को जो स्टार्ट किया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से स्टार्ट किया गया है। यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें सेकेंड स्टेटमेंट की, ये मनोदर्पण इनिशिएटिव, और ये जो इनिशिएटिव है स्टार्ट किया गया HRD मिनिस्ट्री, या फिर आप कह सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से स्टार्ट किया गया अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत स्कीम के बारे में एक अनाउंसमेंट किया था कि हमारी कंट्री को बहुत सारे फील्ड में आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन फील्ड में अभी COVID-19 की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से चल रहा है आजकल, कि जो फिजिकल क्लासेस होती थी वो अब ना होकर के अब ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा होना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से काफी लोग बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यू क्रिएट हो रही है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ड्यू टू COVID-19। और उसी को ध्यान में रखते हुए HRD मिनिस्ट्री ने एक मनोदर्पण इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिसके अंदर स्टूडेंट को बेसिकली इसमें जो टारगेट है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट फैमिली मेंबर और टीचर्स को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी है, दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू कोमन लेपर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोमन लेपर्ड के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, और लेपर्ड को ध्यान में रखते हुए आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज वाइडली फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओनली, यानी कि ये जो हमारी कंट्री है, यानी कि अगर मैं बात करूँ ये एक मिनट, ठीक है, ये हमारी कंट्री थोड़ा सा मैं रफली एक इंडिया का मैप जैसे बनाऊं कि ये ऊपर ये हो गए, फिर ये गुजरात, और ये फिर कुछ इस तरह से हमारी जो कंट्री आती है, ठीक है, यानी कि इंडिया, और उसके इधर जो पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, फिर ईरान इधर हो गया, और नीचे श्रीलंका, और ये जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है बीच में, मान लीजिए यहाँ बांग्लादेश, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है इस एरिया में ही सबसे ज्यादा लेपर्ड पाए जाते हैं, और सिर्फ ओनली बोल दिया गया, यानी कि इस पर्टिकुलर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही लेपर्ड पाए जाते हैं, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट इट इज लिस्टेड एज अ वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट, इसे IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर इस स्पीसीज को, यानी कि लेपर्ड को कंसीडर किया जाता है, रेड लिस्ट के अंदर इसका नाम डाला गया है वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर। तो ये दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ऑप्शन सी की बात करें तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, और लास्ट ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें ओनली सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत होने की वजह यह है जो वर्ड ओनली आपको बोल दिया गया यहां पर यह गलती है, सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर ही नहीं पाया जाता बल्कि ये सब सहारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आसपास, यानी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के आसपास का जो एरिया जहां सहारा की बात करें उसके आसपास, इसके अलावा वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया की बात करें वहां, और लास्टली फाइनली जो बोल सकते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या फिर आप बोलो कि साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया या ईस्ट एशिया का जो ईस्ट पोर्शन है वहां पर भी ये लेपर्ड पाया जाता है। तो यानी कि इसकी लोकेशन, ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में जो आपको बोला गया वहां पर यह स्टेटमेंट गलत था। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट ना होकर के सेकंड है। सेकंड की अगर बात करें तो भाई इसके प्रोटेक्शन के लिए कि भाई इसके इसकी मतलब जो स्किन की वजह से इसे इलीगल ट्रेड इसके स्किन और इसकी बॉडी पार्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा होता है, और जिस वजह से इसका जो हैबिटेट लॉस बहुत ज़्यादा होने लग गया है, और इसी की सिक्योरिटी के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए IUCN ने इसे अपेंडिक्स 1 के अंदर रखा गया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर इस स्पीसीज को रखा गया है। अगर अपनी कंट्री के अंदर बात करें, हमारी कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत इसे शेड्यूल 1 के अंदर इसे रखा गया है इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है सिर्फ वही करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि भाई ये जो क्वेश्चन है आपके पास, जो दो स्टेटमेंट है इसके अंदर, और क्वेश्चन को जिस तरह से पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड नेक्स्ट इज सेकंड स्टेटमेंट, और उसके बाद आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन है ये आपको बताना है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वन द अपोजिशन इफेक्ट
is the circumstances in which the two celestial body appear in the opposite direction in the sky. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए स्पेस के अंदर दो प्लानिट है और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के अपोजिट जब बिहेव करते हैं, यानी कि ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, दो प्लानिट है, ये प्लानिट ए नाम रख रहे हैं तो प्लानिट बी है, और ये जब अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव करता है, जब जाता है, तो इसे अपोजिट इफेक्ट का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। और सेलेस्टियल बॉडी का मतलब होता है जो कि स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करती है, यानी कि कोई भी प्लानिट या फिर कोई भी स्टार या कोई भी जो चीज जो स्पेस के अंदर मौजूद है उसके बारे में बोला जा रहा है, और उसके अंदर जो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो मूव करती है स्काई के अंदर, स्पेस के अंदर, तो उसे हम अपोजिट इफेक्ट बोल सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द प्लैनेट्स वीनस एंड मरकरी कैन नेवर बी इन अपोजिशन टू द सन, यानी कि अगर हम बात करें सन काफी बड़ा है और सबसे पहले वीनस आता है, वीनस के बाद मरकरी आता है, इन दोनों के बारे में बोला जा रहा है कि ये इन दोनों का जो भी ये रेंज जो रेडियस रेंज जो भी कर लीजिए जहां पे ये मूव करते हैं, ये दो प्लैनेट सन के अकॉर्डिंग जहां पे भी मूव करते हैं, तो ये बोला जा रहा है ये दोनों कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, यानी कि सन ये है अगर मान लीजिए, तो अगर मरकरी यहां पे है तो वीनस यहां इसके अपोजिट भी नहीं हो सकता। हाँ, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकते हैं बट एग्जैक्टली अपोजिट कभी नहीं हो पाएंगे, ऐसा आपसे स्टेटमेंट टू में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए, आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर बात करें ऑप्शन सी, इसमें कह रहा जा रहा है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब फाइनली ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स बोथ आर द स्टेटमेंट आर रॉन्ग, दोनों ही स्टेटमेंट आप गलत बोल सकते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दे रखा है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं ड्यू टू अपोजिट इफेक्ट, यानी कि अपोजिट इफेक्ट जो होता है दो प्लैनेट अब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव करते हैं उसकी वजह से मास की बात करें, मास जो है अपने साइज से जो भी जैसा भी वो दिखता है अपने साइज से वो बिगर और ब्राइटर अभी दिखने वाला है अक्टूबर 2020 में, यानी कि आप ये देख सकते हैं सोलर सिस्टम, अगर आप देखें ये पूरा पिक्चर सोलर सिस्टम का है हमारे, और सोलर सिस्टम में जितने भी एट प्लैनेट हैं अभी एट प्रेजेंट, प्लूटो प्लैनेट नहीं रहा जो आप लोग जानते ही हैं, तो अर्थ है ये, अर्थ के अलावा जो ये मार्स देख रहे हैं, तो अर्थ और मार्स की बात करें तो अभी अक्टूबर में क्या होने वाला है कि मार्स और अर्थ के बीच में डिस्टेंस है काफी कम होने वाला है, और इसकी वजह से ये क्या है, इसका जो साइज भी बड़ा दिखने वाला है और ये ब्राइटर दिखने वाला है, और वो किसकी वजह से, अपोजिट इफेक्ट की वजह से ऐसा होने वाला है। तो इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद बात करें मरकरी और वीनस की बात करें, ठीक है, जैसा आप जानते हैं सन ये है और सन के बिल्कुल नेक्स्ट जो भी प्लैनेट है वो मरकरी है, और मरकरी के बाद वीनस है, तो इन दोनों को अगर पाथ की बात करें जिस पाथ पे ये लोग मूव करते हैं दोनों प्लैनेट, वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब डिफरेंस है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है इनके पाथ, और जिसकी वजह से ये एक दूसरे के टिपिकली कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के काफी नियर रहते हैं, नजदीक रहते हैं, और कभी भी पॉसिबल नहीं है कि भी वीनस और मरकरी एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि सन बीच में हो जाए, एक तरफ मरकरी एक तरफ वीनस हो जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पाएगी, वो इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि भाई इन दोनों का पाथ ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है, ऑर्बिट जो है इनका जो पाथ है वो काफी सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से, और दोनों की रफ्तार जो स्पीड है ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जिस वजह से ये एक दूसरे के आगे पीछे रहते हैं, अपोजिट नहीं हो पाते। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। विद रेफरेंस टू होलोग्राम इमेजिंग कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन में आपसे होलोग्राम इमेजिंग के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट दीज आर द थ्री डायमेंशनल इमेज, यानी कि आप ये बोल सकते हो होलोग्राम इमेजिंग की अगर हम बात करें, इसके अंदर ये बोला जा रहा है इसके अंदर हम थ्री डायमेंशनल इमेजेस को के बारे में डिस्कस किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है दे आर जनरेटेड बाय द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लेजर बीम, यानी कि इसे जनरेट करने का प्रोसेस के बारे में आपसे बताया जा रहा है कि ये इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन की वजह से लेजर बीम को जनरेट करने का काम करती है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट कैन बी यूज टू डिटेक्ट वायरस एंड एंटीबॉडीज, यानी कि ये वायरस और एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने में, पता लगाने में भी हेल्प करती है अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेटमेंट। ये तीन स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगता है
और आंसर को चूज कर लीजिए। इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब डिटेल में जान लेते हैं होलोग्राफी होता क्या है। ये एक थ्री डायमेंशनल इमेज जनरेट करने का एक प्रोसीजर आप इसे बोल सकते हैं, जिसके अंदर थ्री डायमेंशन में, ठीक है, आप लोगों ने सॉलिड फिगर के बारे में पढ़ा होगा, उस सॉलिड फिगर की आइडेंटिटी को ध्यान में यूज करते हुए थ्री डायमेंशनल यूज करके एक इमेज को जनरेट किया जाता है। एडमिन्स आप ये कह सकते हो कि भाई आपको जो स्टेटमेंट आपको गिवन था कि फर्स्ट स्टेटमेंट, वो बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि इसके प्रोसेस के बारे में कैसे इसे जनरेट किया जाता है, तो लेजर बीम की एक प्रॉपर्टी होती है इंटरफेरेंस, उस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और उसके साथ डिफ्रैक्शन, इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके इसे जनरेट करने का काम किया जाता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने के जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक मेथड डेवलप किया है। इस मेथड के अकॉर्डिंग कि भी वायरस को, किसी की बॉडी से वायरस को और एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने का काम किया जा सकता है इसकी हेल्प से। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो तीनों स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें आपसे बोला जा रहा है द हैबिटेंट ऑफ वन हॉर्न राइनोस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली। यानी कि आप ये बोल सकते हो वन हॉर्न राइनो, यानी कि एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है, इनके एरिया के बारे में, यानी कि किस हैबिटेट में ये पाए जाते हैं उसके बारे में बोला जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो हमारी कंट्री का है, सिर्फ वहीं पे ये रिस्ट्रिक्टेड है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट द वन हॉर्न राइनोस इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट। IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर हम बात करें तो उसे उस कैटेगरी के अंदर, इसे वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर इसे लिस्ट किया गया है वन हॉर्न राइनो को। और थर्ड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी वॉज लॉन्च इन 2005 टू कंजर्व द ग्रेटेस्ट वन हॉर्न राइनो। वन हॉर्न राइनो की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आप बोल सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में 2005 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसे नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आप बोल सकते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट है बेस्ड ऑन वन हॉर्न राइनो, आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी ऑल थ्री स्टेटमेंट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके अकॉर्डिंग, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, हमारे कंट्री में जैसे आप जानते भी होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में आसाम के अंदर एक नेशनल पार्क है, मैं नाम नहीं मेंशन करूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। एक नेशनल पार्क है जो काफी फेमस है वन हॉर्न राइनो के लिए, ठीक है, मतलब स्टेट मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी कि भी आसाम के अंदर है, और ये जो नेशनल पार्क है इसे यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी एक दर्जा मिला हुआ है इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क का। सिर्फ उस पर्टिकुलर जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, चलो मैं बता ही देता हूं उसका नाम वैसे मुझे आप लोगों से पूछना, कांजीरंगा नेशनल पार्क हमारी कंट्री के अंदर आसाम स्टेट के अंदर है, वहां पर वन हॉर्न राइनो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वन हॉर्न राइनो नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अलावा ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के अलावा अब ये भी पाया गया है कि उत्तर प्रदेश, यहां पर भी वन हॉर्न राइनो पाए जा रहे हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा गलत हो गया कि ओनली नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द हमारी कंट्री है, सिर्फ वहीं पे वन हॉर्न राइनो नहीं है, उसके अलावा भी और भी कुछ पर्टिकुलर एरिया में इनके नंबर्स में ये है, सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की अगर बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि इसे IUCN की जो लिस्ट होती है उस लिस्ट के अंदर इसे डाला गया, इसे प्रोटेक्शन के लिए वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि भी नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटजी इसके लॉन्च होने की जो टाइम पीरियड आपको बोला गया कि 2005 में इसे लॉन्च किया गया, इसे 2005 में नहीं बल्कि 2019 में अभी रिसेंटली लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। इट मीन्स ये हुआ कि थर्ड स्टेटमेंट भी गलत, थर्ड गलत हो गया, फर्स्ट भी गलत हो गया। थर्ड गलत होने की वजह यह है कि आपको टाइम पीरियड 2005 दे दिया गया था जो कि गलत है, 2005 नहीं 2019 होना था। और इधर स्टेट की हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट के अलावा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के अलावा
कुछ पर्टिकुलर एरिया उत्तर प्रदेश में भी ये वन हॉर्न राइनो पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल लाइवलीहुड मिशन, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट है और नीचे आपसे बोला जा रहा है कि करेक्ट आंसर क्या है, आपको कोड यूज करना है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट प्रोवाइड फॉर ऑर्गेनिक वन वुमेन मेंबर फ्रॉम ईच रूरल पुअर रूरल जो फैमिली हाउस होल्ड होते हैं वहां से वन एक पर्टिकुलर वुमन को एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो ऑर्गेनाइज कर सके, एक ग्रुप क्रिएट कर सके इस फैसिलिटी को यूज करने के लिए। यानी कि दीनदयाल अंत्योदय योजना की बात करें ये एक मिशन है जिसके अंदर हर फैमिली जो कि पूरा लाइवलीहुड कैटेगरी के अंदर आती है वहां से एक वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर उसे कंसीडर कर लिया जाता है उसमें उसे सपोर्ट करने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ये आपसे बोला जा रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसके इंप्लीमेंटेशन का काम करती है, दीनदयाल अंत्योदय योजना को इंप्लीमेंट करने का काम करती है जो कि नेशनल लाइवलीहुड मिशन के रूप में हमारी कंट्री के अंदर है। तो ये तीन स्टेटमेंट है, फर्स्ट ये, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये, तीन स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी की बात करें सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि भाई सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ओनली फर्स्ट जो स्टेटमेंट आपको वो करेक्ट दिया गया है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि दीनदयाल उपाध्याय जी जीत थे हमारी कंट्री के अंदर उनको डेडिकेट करने के लिए हमारी कंट्री में एक मिशन स्टार्ट किया गया नेशनल लाइवलीहुड मिशन और जिसे दीनदयाल अंत्योदय योजना के नाम से भी बोला जा रहा है। इसे हमारी कंट्री में 2011 में लॉन्च किया गया था जिसके अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वुमेन के होते हैं उनको फंडिंग प्रोवाइड करके उनको स्किलफुल बनाने के लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे ये बोला गया कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये जो मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन नहीं है बल्कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिशन है। अब दोनों में डिफरेंस है थोड़ा समझना है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन होने का मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें फंड भी देगी, ठीक है, और उसके साथ इंप्लीमेंटेशन का भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी इसके अंदर। लेकिन अगर हम बात करें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की तो इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली फंड प्रोवाइड करती है, अब बाकी जो इंप्लीमेंटेशन का काम होती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, ठीक है, ये डिफरेंस है। और इसमें जो फंड भी प्रोवाइड किए जाते हैं वो नॉर्मल जो स्टेट है वहां पे तो 60:40 का रेशियो में फंड लगाया जाता है, यानी 60% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% जो फंड है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात करें, ठीक है, जिसके अंदर आप सिक्किम भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं टोटल 8 स्टेट हो गए जो, अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर ये 9:10 का रेशियो है, यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह ये है, ये जो मिशन है ये जो स्कीम है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट मिनिस्ट्री के बारे में बोला गया था, तो करेक्ट मिनिस्ट्री जो है इसको इंप्लीमेंटेशन का जो काम कर रही है जैसे जुड़ी हुई वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो इस प्रोग्राम से कनेक्टेड है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, रिमेनिंग टू आर नॉट करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू ओपन मार्केट सेल स्कीम OMSS कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी OMSS के बारे में आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट गिवन है। अब आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपने चूज करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकते हो या फिर गवर्नमेंट एजेंसी एट प्री डिटरमाइंड प्राइस एट ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में फूड ग्रेन को सेल करने का एक प्रोसीजर आप कह सकते हो स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसी होती है जो भी इससे कनेक्टेड है वो एक फिक्स प्राइस पे जो प्री डिटरमाइंड होती है कि भी इतने रुपए पर केजी
जो भी प्रोडक्ट है फूड ग्रेन है उसे सेल करने का काम करती है ओपन मार्केट में। ये आपसे बोला जा रहा है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम का मीनिंग ये है एक तरह से। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज डन बाय द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि नाफेड इस काम को इंप्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आप इसे ट्रीट कर सकते हैं। ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास, ठीक है, ओएमएसएस के बारे में। आपने चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी, डी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है? चलिए आंसर, अपना आंसर जो भी है चूज कर लीजिए ऑप्शन में से। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नाफेड इसके इंप्लीमेंटेशन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री के अंदर है वो इसको इंप्लीमेंटेशन का काम करती है। बाकी आप ये बोल सकते हैं कि ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है ये गवर्नमेंट का एक स्कीम कह सकते हो जिसके अंदर फूड ग्रेन को सेल किया जाता है एक पर्टिकुलर फिक्स प्री डिटरमाइंड प्राइस के अंदर, ठीक है, ये आप बोल सकते हो। यानी कि करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत इसलिए हो गया ऑर्गेनाइजेशन आपको गलत दे दी गई। और अगर बात करें कि भाई ये एफसीआई के बारे में, तो ऑलमोस्ट एवरी स्टेट, हर स्टेट के अंदर इसका एक इंस्टीट्यूशन है, इनका एक ऑफिस है जहां पे ये लोग ये काम करते हैं, फूड या फूड ग्रेन मटेरियल जो भी होते हैं उनको सप्लाई करने का, उसको सेल करने का काम करती है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू, ये जो क्वेश्चन है आपसे ये इकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू मधुका डिप्लोमेटामोन रिसेंटली सीन इन द न्यूज कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि आपको मधुका डिप्लोमेटामोन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में ये स्टेटमेंट आपको दे दिए गए। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकेंड, और इसके नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट में से आपने चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज स्पीसीज ऑफ नॉन फ्लॉरिंग प्लांट विच हैज बीन लिस्टेड क्रिटिकल इन डेंजर इन IUCN रेड लिस्ट। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर एक क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी के अंदर स्पीसीज के अंदर इसे नॉन फ्लॉरिंग प्लांट के रूप में इसे लिस्ट किया गया है। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट द ट्री स्पीसीज वॉज लॉन्ग बिलीव टू बी एक्सटिंक्ट हैज बीन रीडिस्कवर्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 184 ईयर। यानी कि 184 ईयर के बाद ये ट्री दोबारा देखने में मिली है, ऐसा आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द ट्री वॉज डिस्कवर्ड बाय द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस ट्री को डिस्कवर करने का काम किया है। तीन स्टेटमेंट हो गए, आपने चूज करना है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी, इसमें आपसे बोला जा रहा है ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, पहले तो ये ट्री देख लेते हैं। ये मधुका डिप्लोमेटामोन जो ट्री की हम बात कर रहे हैं वो ये ट्री है, और ये हमारी कंट्री में जो केरला स्टेट है, बिल्कुल साउदर्न जो स्टेट है केरला, इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर ये ट्री देखा गया है, ठीक है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भाई आपके पास जो सेकंड स्टेटमेंट है कि काफी टाइम के बाद, यानी कि अराउंड 140 ईयर आफ्टर 184 ईयर, मैं करेक्शन करूंगा, 184 ईयर के बाद इसे केरला के अंदर कोलम डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोबारा इस ट्री को देखा गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, बाकी अगर हम IUCN की लिस्ट के अंदर इसे बात करें इस ट्री को, तो इसे थ्रेटन कैटेगरी के अंदर या थ्रेटन स्पीसीज के अंदर इसे रेड लिस्ट के अंदर इसे डाला गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो इस पर्टिकुलर ट्री को डिस्कवर करने का जो काम किया है वो क्या है? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जिसे हम शॉर्ट में JNTBGRI ने इस काम को कंप्लीट किया है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भी अगेन जो थर्ड स्टेटमेंट में जो इंस्टीट्यूशन है जिसने इसे डिस्कवर करने का जो काम किया है वो भी आपको गलत बताया गया है।
फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट स्टेटमेंट आप बोल सकते हो, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी हो जाता है। इससे पहले इसे 1835 में देखा गया था, उसके बाद काफी दिन टाइम के बाद मतलब ऑलमोस्ट 184 ईयर आफ्टर इस ट्री को दोबारा देखा गया और डिस्कवर करने का काम जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बॉटनिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने इसे कंप्लीट किया है। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करके मुझे थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं आप, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लेके आऊं। ठीक है, आज के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन आपके लिए ये होने वाला है आपको FCI के बारे में। ठीक है, हमारी कंट्री में जो ये ऑर्गेनाइजेशन FCI, इसके बारे में आपको स्टडी करना है, और FCI के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन नाफेड के बारे में भी आपको जानना है, यानी कि FCI प्लस नाफेड, ये दो क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा कि नाफेड और FCI के बारे में आपको बताना है कि भाई मतलब स्टेबलिस्ट कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद हेड कौन है और इनका मेन मोटिव क्या है, यानी कि किस फील्ड में ये काम करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको बताना है। तो आज के लिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही है। चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर।